यो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और यार स्पाइडर ग्वेन का एबीएल डे आ जा चुका है, तो चलिए चलते उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। बट बिफोर दैट आई विल बी डिस्कसिंग द टीम जो कि आपको बनानी है टुवर्ड्स स्पाइडर ग्वेन, यानी कि अगर आप स्पाइडर ग्वेन का एक टीम बनाते हो एबीएल वगैरह के लिए तो आपको कौन सा टीम बनाना चाहिए। तो फॉर नाउ दिस इज द टीम दैट आई एम गोइंग टू यूज, यानी कि मैं इस टीम को ले जाने वाला हूँ। व्हाइट फॉक्स को लीड पर रख रहा हूँ ताकि ऑल डिबफ इफेक्ट 40% इंक्रीज हो जाए, साथ में डिक्रीज डिबफ ड्यूरेशन मिले, साथ में हमें पैसिव और वगैरह तो पता है व्हाइट फॉक्स का, साथ में शुरी है सपोर्ट के लिए। लेकिन अगर आपको बेस्ट टीम बनाना है तो आपको चाहिए वेव विथ हर लेटेस्ट यूनिफॉर्म जो कि होने वाला क्लासिक वाला, क्योंकि इस यूनिफॉर्म से आपको इसके लीडरशिप पे 25% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक देखने को मिलता है। और पैसिव की अगर हम बात करें तो 50% इंक्रीज डैमेज टू सुपर विलन है, बट वहीं पे अगर शुरी की बात करें तो फिर 55% है। तो 5% के डिक्रीज के बदले आपको 25% ऑल अटैक मिले, तो बेसिकली इट्स अ प्लस। तो आपको व्हाइट फॉक्स चाहिए एज अ लीड अगर आपको बेस्ट टीम बनाना है तो इसके अराउंड, ठीक है। उसके अलावा व्हाइट फॉक्स पे ऑब्वियसली हमारे पास सीटी पे ऑफ इनसाइट देखने को आपको मिलेगा, माइटी इनसाइट बेटर रहेगा व्हाइट फॉक्स पे अगर है तो आपका डैमेज इंक्रीज देखने को मिलेगा। साथ में स्पाइडर ग्वेन की बात करें तो एज ए डीपीएस हम यूज करने वाले हैं। बिल्ड के बारे में बात करें तो रैंक 73 है पूरे वर्ल्ड में, विच इज अमेजिंग गेम के इस मोड पे, यानी कि 3 दिन बाद आफ्टर हर लॉन्च। और उसके अलावा ये रहे स्टैट्स, 19% पियर्स है, तो 6% पियर्स की कमी की वजह से आपको थोड़ा सा कम डैमेज देखने को मिल सकता है इसके पास से। 20 के 20 ओडिन ब्लेसिंग्स है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गेट द रैंकिंग्स। उसके अलावा अगर मैं स्ट्राइकर स्किल की बात करूँ तो मैंने नोटिस किया कि जीन ग्रे के साथ ज़्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू थॉर। द रीज़न बिंग दैट मेरी जीन ग्रे T4 पे एंड थॉर T4 पर नहीं है, तो इस रीज़न की वजह से हम जीन ग्रे को यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे 6.4 मिलियन अराउंड स्कोर देखने को मिल रहा था जब जीन ग्रे थी स्ट्राइकर पे, वहीं 6.3 मिलियन इश देखने को मिला जब थॉर था स्ट्राइकर पे, तो फॉर दैट रीज़न। साथ में टाइप एनहांसमेंट में टाइप 6 है, स्टेज 12 ओवरड्राइव है। आर्टिफैक्ट में हमने स्क्विरल गर्ल का 6 स्टार आर्टिफैक्ट दे दिया जिसपे जस्टिस इंस्टिंक्ट है, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली स्पाइडर गवन का आर्टिफैक्ट नहीं है बिकॉज वो नया है गेम में। उसके अलावा रेज है इस पर, क्योंकि ऑब्वियसली रेज के साथ ही एबीएल आपको करना है अगर आप आइडियली बेस्ट परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो। उसके अलावा यूनिफॉर्म में थी, यूनिफॉर्म ऑप्शन अगर आपको पता है तो पता है। सो या चले चलते देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस कर पा रही है ये एबीएल में, ठीक है। तो हियर वी गो, यहाँ पर सभी टीम वगैरह के बारे में मैंने बता दिया है। ब्लैक विडो और शैडो शेल और आपकी अल्टरनेटिव हो सकती है यहाँ पर, लेकिन ब्लैक विडो इज वे वर्स। और अगर मैं बात करूँ तो शैडो शेल के कंपैरिजन में अभी के लिए थोड़ा सा क्लोज देखने को हमें मिल रहा है परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे हम डैमेज करने की कोशिश करेंगे। तो रोटेशन विल बी 3-6 डिले कैंसिल 4 कैंसिल 5, 6 को भी आपको थोड़ा सा डिले करना है इफ पॉसिबल, एंड जैसे ये स्लैम करे आप 2 और 1 यूज कर सकते हो वेन एवर यू कैन। और ऑब्वियसली T4 स्किल भी आपको जब हो सके तब यूज़ करना है। तो ये होने वाला बेसिक जिस्ट ऑफ द रोटेशन जो कि हम यूज़ करने वाले हैं टू डील एज मच डैमेज एज पॉसिबल। तो लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं। यहाँ पे अभी ये जाएगी अपने मतलब सर्टर जाएगा अपने नेक्स्ट फेज में, तो यहाँ पे हमारे पास 4th स्किल पे कैंसिल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप थॉर यूज़ करोगे तो आपको कैंसिल थोड़ा अर्ली भी देखने को मिलेगा, यानी कि आप स्ट्राइकर स्किल से भी कैंसिल कर सकते हो। सो ये एक चीज़ होने वाला है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो या मतलब बहुत ही ईजियर टू प्ले है अगर मैं शैडो शेल के कंपैरिजन में बात करूं ग्वेन की, राइट। तो ये एक चीज़ है जिसका आपको मतलब आप इस पे बिल्ड करने का आप डिसीजन ले सकते हो। एंड या ओके, तो इस डैश से बचना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे ही हमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज डिक्रीज देखने को मिलता है। सो लेट्स सी, अभी हमारा आखिरी वाला और बने वाला है तो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। एंड लेट्स ट्राई टू get our awakening skill as well here, okay। तो let's see, इसको light orb phase बोलते हैं या something like that, so yeah, ठीक है। 3 million mark पे हम पहुँच चुके हैं almost half time पे, which is really nice, not bad at all। 5 में थोड़ा ज़्यादा delay हो जा रहा है because I think मैं rotation थोड़ा सा goof up किया हूँ, but ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 1 को आपको यूज करना है ताकि आप T4 स्किल जितना जल्दी हो सके चार्ज कर सको, ऑब्वियसली एट ऑल टाइम्स। ओके, आपको जब आखिरी पत्थर गिरते हुए दिखे तब आप कर सकते हो कैंसिल। या सो दैट इज गोइंग टू बी द जिस्ट ऑफ द रोटेशन। मतलब बहुत इजी टू प्ले है यार स्पाइडर ग्वेन, मतलब उतना कोई कॉम्प्लेक्स रोटेशन नहीं है इसका। ओके, तो लेट्स गेट द ऑर्ब और उसके बाद ही डैमेज करते हैं। 2 और 1 यूज करते हैं इन मॉब्स को मारने के लिए, एंड फिर हम थोड़ा सा अर्ली 4th स्किल को यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद भी हमें कैंसिल देखने को मिल जाएगा, विच इज़ रियली नाइस थिंग अबाउट हर। और यहाँ पे अब एकनिंग स्किल हम सेव करके रखेंगे फॉर द लाइट फेज, ठीक है। ओके,
आई थिंक हमें हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हम अभी यूज़ कर लेंगे अवेकन तो हमें एक और बार मिल जाएगा चांस टू यूज़ द अवेकनिंग स्किल जब लाइट वाला फेज आएगा तब। यहाँ पर मेरा डैमेज काफ़ी कम है देन वॉट इट शुड बी टू बी ऑनेस्ट, मतलब नॉट श्योर इफ दिस इज अ गुड रन बट ठीक है। ओके आखिरी और बात चुका है तो उसको हम जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन लेट्स गो। यहीं पर जितना डैमेज हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा वो मिलेगा। काफी खराब रन गया है वैसे ये टू बी ऑनेस्ट, ये आइडियल रन से काफी दूर है बट ठीक है। ओके तो यहाँ पर तो 5.8 मिलियन हुआ है, बेस्ट स्कोर यहाँ पे देख सकते हो 6.3 है। तो ये बेसिकली 19% पियर्स और जो बिल्ड है हमारा उसके साथ है। ऑब्वियसली अगर आपके पास वाइट फॉक्स का पेड यूनिफॉर्म है तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज इंक्रीज देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू लाइफ स्टाइल सीरीज यूनिफॉर्म। और उसके अलावा वाइट अगर वेव होगी विथ हर लेटेस्ट यूनिफॉर्म तो उससे भी आपको लीडरशिप के थ्रू अच्छा डैमेज देखने को मिल सकता है। सो आई थिंक यार बेस्ट अभी के लिए मुझे तो लग रही है यार स्पाइडर ग्वेन ही है इस ABL डे के लिए। और अगर आप गमोरा को बिल्ड करना चाहते हो तो गमोरा सिर्फ एक दिन काम आएगी, वहीं पे स्पाइडर गवेन विल बी मल्टीपल डेज, यानी कि स्पीड फीमेल जब भी रहेगा सभी में वैलिड है क्योंकि वी डोंट हैव एनी एलियन डेज राइट। तो फॉर द मोस्ट पार्ट आई थिंक आपको स्पाइडर गवेन के लिए ही जाना चाहिए अभी अगर मैं बात करूं। और उसके अलावा अगर मैं फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो फ्यूचर में ऑब्वियसली लूना स्नो विल रिप्लेस हर, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही आप इसे लेना क्योंकि लूना स्नो जब आएगी डेफिनेटली शी विल रिप्लेस हर। तो या विद दैट इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, बाय।